legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल सनी साहब व्लॉग्स के ऊपर। और जैसे कि आप पीछे वाले कैमरे पर देख पा रहे हैं, मैं आपको लेकर आया हूँ एकदम साड़ियों के गोदाम के अंदर, जहाँ पर भैया कुछ इस तरीके से 100-150 मीटर के भैया 120 मीटर के साथ थान रखे, जितने भी आप पीछे देख रहे हैं पूरा थान रखे हुए। और यहाँ पर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भैया किस तरीके से साड़ियाँ कटती है, किस तरीके से पैकिंग होती है, किस तरीके से मार्केट के अंदर जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ की तरफ देखोगे, ये पूरी की पूरी साड़ियाँ यहाँ पर काटी जा रही है। ये एक एक मीटर करके इस घोड़ी के ऊपर चढ़ा दी जाती है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आती है पैकिंग होती है। ये 6-6 मीटर की साड़ियों को सबको पैक करते हैं, बांध करके इस तरीके से रखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से बांधी हुई रखी है ना भैया, ये पूरी की पूरी है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाती है। और साड़ियाँ इनके पास में शुरुआत की बात करूँ तो मात्र 40-45 रुपये की रेंज से दोस्तों साड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है। और सारा का सारा ये इस तरीके से फ्रेश का ही माल आपको मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से साड़ी सारी की सारी काटी जा रही है। इस वीडियो के अंदर भैया हमें सारी साड़ियाँ दिखाने वाले हैं हम आपको, किस तरीके से भैया इनको आप अपने घर बैठे मंगा सकते हो सीधे मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि इतना जितना आप स्टॉक देख पा रहे हैं ये बहुत ही कम लोगों के पास इसमें इतना स्टॉक होता है, बहुत ही कम लोग इस तरीके से स्टॉक मेंटेन करते हैं। पूरी वीडियो देखोगे मज़ा आ जाएगा और एक रियल जेन्युइन मैन्युफैक्चरर से जुड़ने का मौका मिल सकता है। पूरी वीडियो देखे दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भैया यहाँ पर आप आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं सारा सारा मटेरियल, इसको इस तरीके से हाथ लगा करके छूना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद में। चलिए दोस्तों देखना स्टार्ट करते हैं पूरी वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको हमेशा आगे देता रहूँगा। सुमे में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा। और मैम आज कहाँ लेकर आए हैं आप हमारे व्यूवर्स को, जैसे कि हम देख पा रहे हैं मतलब कुछ अलग ही है यहाँ पर सारा का सारा प्रोसेस। आज का वीडियो ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपने कई बार फैक्ट्री के वीडियोस देखे होंगे, फैक्ट्री रिगार्डिंग कैसे बनता है, लेकिन आज का वीडियो अलग इसीलिए है क्योंकि फैक्ट्री से निकलने के बाद और आप तक पहुंचने से पहले आपकी जो साड़ियाँ हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके से गुजरते हैं, कौन से प्रोसेस से गुजरते हैं, वो प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं। बहुत बढ़िया, कहाँ से स्टार्ट करेंगे मैम, यहाँ से या कहाँ से? यहाँ पर तो हम अभी एक एक करके आएंगे। सबसे पहले फैक्ट्री से निकलने के बाद कुछ इस तरह से 110-120 मीटर की ये पूरी साड़ी होती है, मतलब इसको हम थान कहते हैं। ये पूरा थान होता है, काफी हैवी होता है, ये पूरा एक ही होता है। तो ये थान यहाँ पर देखेंगे, ये अलग कलर अलग, ये सारे सारे थान रखे हुए यहाँ पर, पूरे सारे थान रखे हैं। और आप इस तरफ भी देखेंगे तो ये भी सीधा फैक्ट्री से निकला हुआ माल है, पूरा गोडाउन 100-120 मीटर के दोस्तों पूरे के पूरे थान है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आए आगे की तरफ में आए, ये आपको प्रिंटेड मिल जाएगा, यहाँ पर प्लेन मिल जाएगा, बांधी मिल जाएगा। और सब ये जितनी भी साड़ियाँ ये तकरीबन मेरे ख्याल से 100-120 वाली रेंज की है ना मेरे ख्याल से, तो ये सर रेंजेस काफी कम दाम में मिल जाती है, क्योंकि सर ये सीधा मैन्युफैक्चरर के पास से आपको मिल रही है ना। ओके, ये जैसे कि देखेंगे भैया सारे बांधनी के प्रिंट यहाँ पर ही आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको मिल रहा है, ये कुछ इस तरीके से तो पैडिंग कॉन्सेप्ट मिल रहा है, बहुत बढ़िया। एक से बढ़कर एक हैवी क्वालिटी की सभी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो बहुत बढ़िया मैम, अब कहाँ पे लेके चलेंगे मैम आप हमारे व्यूअर्स को? वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि सामने प्रोसेस क्या चल रही है, तो ये प्रोसेस है, ये थान सामने आप देखेंगे। चलिए सीधा जाके मैं बताती हूँ, ये पूरा है ना हमारा जो रेडी टू डिस्पैच किस तरह से प्रोसेस होती है वो मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले जो थान होता है ना इसको घोड़ी कहते हैं, ये जो यहाँ पर स्टैंड नजर आ रहा है इसको घोड़ी कहते हैं। सो ये जो स्टैंड है ना, यहाँ पर जो पूरे 110 मीटर का जो थान होता है वो साड़ी 1-1 मीटर से लगाई जाती है, वहाँ पर लगाने के बाद कटिंग होती है पूरी साड़ी जी। और कटिंग प्रोसेस की अगर बात करें, कटिंग यहाँ पर कटिंग हो रही है, ये फोल्डिंग हो रही है आई थिंक, ये वाली है ओके। इस तरफ जी, तो आप इस तरफ दोबारा अगर आएंगे तो सामने आप देखेंगे तो कटिंग हो रही है, वो जो हमारे सर है एक एक करके कितने कितने मीटर काटते हैं ये बताएं। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ना 110, ये पूरा 6 मीटर का कटिंग करते हैं, विद ब्लाउज पीस, विदाउट ब्लाउज पीस, जिस तरह की चीज चाहिए होती है वैसे पूरी कटिंग होती है। वहाँ पर भी देखेंगे, वहाँ पर बांधने की कटिंग हो रही है या डिजिटल प्रिंट की कटिंग हो रही है। और आफ्टर कटिंग इसकी जो प्रोसेस होती है, इस तरफ अगर हम आएंगे तो पता चलेगा ये अब साड़ी पूरी 6 मीटर की कट हो चुकी है जी। कट होने के बाद आती है फोल्डिंग की प्रोसेस। इस साइड आप देखेंगे पूरा ये जो है ना
यहाँ तक आप देखिए पूरा ये पूरा साड़ी रखा गया है, एक एक मीटर 6-6 मीटर की काट करके, 6-6 मीटर की काट करके रखी गई है विद ब्लाउज पीसेस। आप देखेंगे विद ब्लाउज पीस आपको मिल रही है, और यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से फोल्डिंग होती है जी। कोऑर्डिनेशन आप देखेंगे परफेक्टली साड़ी फोल्ड होती है, और फोल्डिंग के बाद की जो प्रोसेस है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए आइए, फोल्डिंग के बाद होने के बाद में कहाँ लेके चलते हैं आप हमारे व्यूअर्स को? फोल्डिंग के बाद की प्रोसेस होती है स्टिकर लगाने की। अब ये स्टिकर, जो है जो इसके ऊपर एक मेंशन होता है जी सर, हर एक साड़ी का नाम होता है, कैटलॉग का नाम होता है, और उसके ऊपर कैटलॉग भी दिया जाता है जी। सो वो चीज हम लगाते हैं, तो चलिए सीधा वही देखते हैं। ओके, कहाँ लेकर आए आप हमारे व्यूअर्स? अभी हम आ चुके हैं जैसे कि मैंने कहा कि पैकिंग वाली प्रोसेस में। सो ये जो है चीज रेडी टू डिस्पैच कैसे होती है, यहाँ से होती है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सर है साड़ी को काउंट कर रहे हैं, और काउंटिंग करके उसके ऊपर स्टिकर लगाया जा रहा है। उस तरफ अगर आप देखेंगे तो वो स्टिकर नजर आ रही है, देखिए एक एक करके जो सारे स्टिकर है साड़ी को लगाए जाते हैं। साड़ी सेट वाइज लगाई जाती है, सेट वाइज मतलब जैसे कि आप जानते हैं सिंगल पीस आपको अजमेरा फैशन में नहीं मिल सकता, सेट वाइज चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए साड़ी के ऊपर ऐसे कैटलॉग लगाया जाता है, पूरी साड़ियाँ सर ने उठाई जी, उसके ऊपर एक कैटलॉग रखेंगे और उसको थैली में डाल दिया जी हाँ। फिर ये पॉलीथीन पैक होगी, फिर यहाँ पर जो सर हमारे हैं कि इसको टाई करेंगे, अच्छे से बांधेंगे, और बांधने के बाद हमारा जो प्रोसेस है, हमारी जो चीज़ है कुछ इस तरह से रेडी टू डिस्पैच हो जाती है। ओके, अब इसकी जो आउटर पॉलीथीन होती है वो अलग अलग होती है। जस्ट एन एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे, सो ये जिपर पैकिंग में है, 4 पीसेस का सेट है जी। उसी तरह से यहाँ पर पाउच पैकिंग टाइप के अंदर में आ गई, ये पाउच पैकिंग में है जिसके अंदर एक कैटलॉग दिया गया है, एक कैटलॉग भी दिखाना चाहूँगी। ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ये पूरा का पूरा कैटलॉग आपको मिल रहा है जिसमें सभी कलर्स अलग है, सभी डिज़ाइन अलग है, पैटर्न अलग है। ये खासियत होती है एक मैन्युफैक्चरर की, अगर कोई कपड़े का बिजनेस करना चाहता है और वो अजमेरा फैशन के साथ जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल वो जुड़ सकता है। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आपको तो उसके लिए क्या करना है, स्क्रीन पर नंबर मिल जाते हैं जी। एक बार वहां की तरफ चलते हैं, फिर खत्म करते हैं वीडियो को जी। सर इस तरफ देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अब सेम प्रोसेस से गुजरेंगी, वहां पर पैकिंग होगा, स्टिकर लगाया जाएगा, पॉलीथीन पैक करने के बाद रेडी टू डिस्पैच हो जाएगा, और इसके बाद ये चीज़ आ जाती है इनसाइड आर काउंटर, काउंटर्स के अंदर भी आ जाता है, फिर कस्टमर को सेल किया जाता है, मतलब आपको, और आप अपने घर पे ले जाके या शॉप पे ले जाके अपने कस्टमर्स को आगे सेल करते हैं। बहुत बढ़िया मैम। इन द लास्ट आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं, फिर हम वीडियो को विराम करते हैं। इन द लास्ट मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल दोस्तों, आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, होल सेल में अगर कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं तो, या फिर आप अजमेरा फैशन सूरत आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम।